बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इरम ऑफिशियल। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उबले हुए आलू का एक प्योर मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो कि अगर आपकी आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं उनको ख़त्म करेगा और आपके चेहरे को चमकदार और रोशन कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने दही ली है। दही से क्या होगा, ये दही आपको दरमियानी लेनी है। ऐसा नहीं कि आपकी दही खट्टी हो, अगर आपकी दही खट्टी होगी तो नुकसानदेह हो सकती है। चक्कर आप लीजिएगा, मतलब कि जब आप अपने लिए मास्क तैयार करेंगी तब आप इसको चख लीजिएगा कि खट्टी तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे मैंने यहाँ पे दही ली है, जो कि तकरीबन 3 खाने का चम्मच है। इस तरह के चम्मच मैंने लिए, ठीक है, देख रहे हैं, 3 चम्मच हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है उबला हुआ आलू, जो मैंने इसको कुचल लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 1 चम्मच, चम्मच, ये पूरा 3 चम्मच, ठीक है। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जैसे हम वो चाटनी बनाते हैं। सिर्फ ये दोनों मिक्सर नहीं, बाकी दो चीज़ें और भी इसमें ऐड करूँगी। पहले जो भी हम अज्जा डालते जाएंगे उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे फिर वो मिक्स ना हुआ हो और आपकी जेब पे कुछ अलग अलग सा दिखे। ये बना दिया, अब मैं बाकी दो चीज़ें भी इसमें ऐड कर देती हूँ। वो है 1/2 लेमन, ठीक है, ठीक है, इसको भी मिक्स कर देते हैं। बताया कि आलू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आलू खाने से हमारी हर बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ खालिस शहद, मैं अपने भाई से मंगवाई थी। मैं इसमें बिल्कुल आधा चम्मच डालूँगी, ठीक है। अगर किसी को शहद से एलर्जी है सर्दियों में या गर्मियों में, तो इसकी जगह आप एलोवेरा जेल खालिस डाल सकते हैं। वो भी आप खालिस ऐसे नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा पानी में डालकर गर्म करेंगे। ये अपनी मर्जी से निकलता है शहद, आ रही है ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल हम इतनी लेंगे। आई हाई, ये देखो जा रहा है इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको लगाने का तरीका है कि आपको ये लगाना है अपने फेस पे, जैसे आप ब्लीच के तौर पर लगाते हैं। ये ब्लीच की तरह काम करता है और ये आपकी स्किन को फेयर कर देगा। आपको कहीं शादी में जाना है, आधा घंटा पहले आप इसको यूज़ करें, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है, लेकिन होता नहीं है, वाकई में है ऐसा, ठीक है। मैं आपको अपने हाथ पर लगा के दिखाती हूँ। 20 मिनट तक लगा देने के बाद मैं इसको धो लें सादे पानी से, ठीक है। हमारा मास्क तैयार है। आप चाहें तो आप इसमें जेलेटिन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लगा दिया है, अब मैं 20 मिनट के आपके पास आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर ना आए तब भी
लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं कमेंट में तो आप पूछ सकती हैं, मैं उस पर भी वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी, यानी आपकी फरमाइश पूरी करूंगी। तो आज के इतना काफ़ी है, अगले मुझे जा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।